किसी शख्स को, चाहे वो मनसूबाबंदी में शामिल है, चाहे वो उकसाने में शामिल है, चाहे उसने गलीज गंदी गालियां दी, नारे लगवाए, और चाहे वो तोड़फोड़ में शामिल है, कोई भी कानून के आनी हाथों से बच नहीं सकेगा। इसके लिए बाकायदा NSC की मीटिंग हुई, उस पर फैसले हुए, और इसी के नतीजे में ये तय हुआ कि जो सिविलियन तनसीबात हैं उनमें मुलव्वस ऐसे तमाम अफराद को एंटी टेररिस्ट एक्ट में ट्राई किया जाएगा, और जो फौजी तनसीबात हैं उनको उनके कानून के मुताबिक ट्राई किया जाएगा। जो वाकयात 9 मई से लेकर उसके बाद जो हुए, वो इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कहना चाहूँगा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, तारीख दिन जिस दिन पाकिस्तान के लिबादे में दहशतगर्दी की गई इमरान नियाजी के हुक्म पर, उनके जत्थों ने मुल्क दुश्मनी की, बदकिस्मती से वो काम कर दिखाया जो 75 साल में दुश्मन ना कर सका। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि, और ये भी एक शूमी किस्मत है कि तरीके तालिबान ने कायद आजम हाउस ज्यारत को जलाया और इमरान नियाजी और उसके जत्थों ने कायद आजम हाउस, जो कि को कमांडर हाउस बन चुका है, उसको राख बना दिया। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि तहरीके तालिबान ने GHQ पर हमला किया था और इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि इन पाकिस्तानी नुमा दुश्मनों ने GHQ पर हमला किया और रेडियो पाकिस्तान पेशावर उसको राख कर दिया, FC स्कूल को वहां पर तोड़फोड़ की, बेशुमार ऐसे होरनाक वाकयात उस दिन हुए जो कि हमेशा के लिए पूरी कौम को ज़हनी कोफ्त में मुबतला रखेंगे। लिहाजा ये तय हुआ था कि किसी शख्स को, चाहे वो मनसूबाबंदी में शामिल है, चाहे वो उकसाने में शामिल है, चाहे उसने गलीज गंदी गालियां दी, नारे लगवाए, और चाहे वो तोड़फोड़ में शामिल है, कोई भी कानून के आनी हाथों से बच नहीं सकेगा। इसके लिए बाकायदा NSC की मीटिंग हुई, उस पर फैसले हुए, और इसी के नतीजे में ये तय हुआ कि जो सिविलियन तनसीबात हैं उनमें मुलव्वस ऐसे तमाम अफराद को एंटी टेररिस्ट एक्ट में ट्राई किया जाएगा, और जो फौजी तनसीबात हैं उनको उनके कानून के मुताबिक ट्राई किया जाएगा।
देखिए ये बात कोई मजाक नहीं है कि दहशतगर्द कराची में एयरफोर्स के वहां पर जो तनसीबात है वहां पर हमला करें और अरबों रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचाएं और ये इमरान न्याजी के जत्थे मियांवाली में पहुंच जाएं और हमारे उन हवाई जहाज़ों को जो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कौम की खून पसीने की कमाई से खरीदे गए जहाज़ों को आग लगाने की एक मनहूस और मज़मूम कोशिश करें, तो इसके लिए हमने बाकायदा एक फैसला किया था और पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत सिंध हुकूमत वहाँ पर भी इक्का दुक्का वाक़ात हुए और बलूचिस्तान में शायद इस तरह कुछ वाक़ा नहीं हुआ। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं, इसकी रिव्यू हमने आज करना है कि क्या इस वक्त पेशरफ्त हो चुकी। हमने लॉ मिनिस्टर साहब को गुजारिश की थी और इंटीरियर मिनिस्टर साहब को और पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश की थी कि एंटर्स कोर्ट्स प्रोसिक्यूटर्स और एफआईआर्स और सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन जो पंजाब के, क्योंकि पंजाब में प्रोसिक्यूशन का बकायदा एक अलहदा बड़ा जामे निज़ाम है, और इंटीरियर मिनिस्टर से और DGIB से कि वो इस बारे में अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी तनदेही से अदा करें और बगैर किसी लम्हा के जाया किए हुए। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।